हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स पॉइंट, जहां पर आपको सारे कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। जनरल कंपटीशन की, जैसे एसएससी, एसएससी सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, जिनको भी बेटर अपना मैथ को, जीएस को, रीजनिंग को, सारे चीज को बेटर करना है। अभी यहां पर मैथ का क्लास चल रहा है, जिसमें सुबह आपको क्लास करवाया जाता है नंबर सिस्टम का, सुबह 8 बजे, और शाम में 4:30 बजे आप लोगों को क्लास करवाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, और जितने भी लोग अपने फ्रेंड लोग को बोलते जाइए कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को सेशन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को चालू करने जा रहे हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। कल आप लोगों का कहाँ तक हुआ था? कल आप लोगों का हुआ था क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है, कल आप लोगों का हुआ था क्वेश्चन नंबर 7 तक, तो आज से चालू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, वीडियो आप लोगों का हर दिन अपलोड हो रहा है, तो सब लोग देखते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, जैसे ही खोलिएगा सब लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करके इसको आगे बढ़िएगा। ठीक है, लाइक करके सब्सक्राइब करके सब लोग आगे बढ़िएगा। आप लोग का सीजीएल का तैयारी हो रहा है, मेन सीजीएल, रेलवे, जितना भी एग्जाम में आपका मैथ पूछा जाता है वो सारा का सारा एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा ये सब क्वेश्चन का पैटर्न। ठीक है, समझिए, 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य उतना ही है। इसको बंद कीजिए। 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य उतना ही है जितना एक्स पुस्तकों का विक्रय मूल्य। यदि लाभ परसेंट दिया हुआ है आपका 10, तो एक्स का मान बताएं। ठीक है, करना क्या है वो समझिए। ठीक है, करना क्या है वो समझिए। सर एगो लैंग्वेज आप लोग को लिखाते हैं, एगो लैंग्वेज लिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, यदि यदि क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग को, आगे ये पैटर्न आएगा, यदि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, यदि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के 25 वस्तुओं के पच्चीस वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट बताएं। प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट बताएं। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट बताएं, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट बताएं। देख लीजिए, चालू है, लॉस परसेंट बताएं। ठीक, जो हो रहा है वो बताएं। ठीक सर, लिखने का तरीका क्या होता है? ठीक, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसको लिखने का तरीका सीखिएगा, ऐसे ही लिखिएगा, इसके अलावा कुछ मत लिखिएगा। मतलब 30 ऑफ सीपी, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 25 ऑफ एसपी। सीधा ये लिख दीजिएगा, 5 से काटिएगा 6 बार में, 5 से काटिएगा 5 बार। सीपी के सामने 5 है, एसपी के सामने 6 है, तो सीपी कितना आ गया आपका 5, सर एसपी कितना आ गया आपका 6। तो ये था तरीका। आने वाला 15 से 20 क्वेश्चन के बाद आप लोगों को यही सब इस पैटर्न पर कम से कम 6-7 क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है 30 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य, मतलब 33 का क्रय मूल्य सीपी, सर समान है, क्या लिखा हुआ है, उतना ही है, मतलब यही होता है ना, समान है सर, उतना ही है जितना एक्स पुस्तकों का विक्रय मूल्य है। मतलब एक्स पुस्तकों का क्या है आपका, विक्रय मूल्य सेम है। यह लैंग्वेज समझ में आया, बताइए, सीपी के सामने क्या है एक्स, एसपी के सामने क्या है 33, तो सीपी कितना हो गया एक्स और एसपी कितना हो गया आपका 33। ठीक है, यहां तक।
अब क्या करना है, यहां से आप लोग को फिर ऑप्शन से बनाना है, ऑप्शन से बनाना है। ठीक है सर, यहां पर क्या पुट किया जाए सीपी में कि एसपी 33 रखने पर आपको 10% का प्रॉफिट हो। सर पहला नंबर ऑप्शन रखिए तो 30, जैसे ही 30 रखिएगा और 33 में बेचिएगा, देखिए यही ऑप्शन मैच कर गया सर, 30 में खरीदे 33 में बेचे तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का, किसमें हो रहा है 30 में, इंटू 100 कितना निकल गया आपका 10, मैच कर गया ना, मैच कर गया 10%, तो आंसर कितना हो जाएगा 10%, सॉरी 30, आंसर कितना हो जाएगा 30। ठीक है तो सर हो सकता है कि आने वाला समय में ऑप्शन से मैच करने में दिक्कत हो जाए, ठीक, तो बेसिक तरीका ही बताने जा रहे हैं, सीख लीजिए खाली बेसिक तरीका। ठीक है सर, एगो फार्मूला होता है, एगो फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का, लेकिन ज़्यादातर तो फार्मूला से बताते नहीं हैं, इसीलिए ये देखिए सी पी माइनस एस पी बाय सी पी इंटू 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, ये होता है मेरा। ठीक है सी पी माइनस सॉरी एस पी माइनस सी पी बाय सी पी इंटू 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट। सर नीचे में सी पी ही क्यों आया, एस पी क्यों नहीं आया, क्योंकि प्रॉफिट हम लोग किसको बेस मानकर निकालते हैं, सीपी को बेस मानकर निकालते हैं। ठीक सर, वैल्यू को पुट करते जाइए केवल, एसपी कितना है मेरा 33, सीपी कितना है मेरा एक्स, सीपी कितना है मेरा एक्स, ठीक है ये कितना हो जाएगा इंटू 100, और प्रॉफिट परसेंट एग्जाम में दिया हुआ कितना है 10, हो जाएगा 10। ठीक है जीरो से ये जीरो गया, ठीक है अब मल्टीप्लाई कीजिए, ये 10 इसके लिए भी है, ये 10 इसके लिए भी है, कितना हो जाएगा 330 माइनस 10x, और ये कितना हो जाएगा x, x जाएगा उधर और फिर ये 10 जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 11x, और ये कितना हो जाएगा 330, और 11 से ये 33 गया तीन बार में, x कितना आ गया आपका 30, तो CP कितना आ गया 30। सर इतना लेंदी नहीं करना है, ठीक है अगर ऑप्शन से मैच कर रहा है तो ऑप्शन से मैच करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, समझ में आया सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौ नंबर देखिए, एक कुर्सी को 785 में खरीदा गया और उसे 22% के लाभ पर बेचा गया, कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है, हम ये बताइए कि लाभ हुआ है कितना परसेंट का, 22% का, 22% का लाभ हुआ है। सर 100% अगर सीपी होता है तो 22% का लाभ हुआ तो एसपी कितना हो गया 122%, ठीक, तो यही ना दिया हुआ है सीपी आप लोग को 785, आप लोग को निकालना कितना परसेंट है 122%। ठीक है मतलब सर आपको निकालना कितना है 785 का 122%, यही निकालना है, परसेंटता नीचे क्या आता है 100, तो सर इतना करने में आप लोग को लेंदी हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है तो इतना नहीं करना है, करना क्या है वो समझिए। ठीक है एक बात बताइए, जैसे एक सामान को हम 500 में खरीदें और उसको 20% का प्रॉफिट में बेच दिए, कितना परसेंट प्रॉफिट में बेच दिए 20%, तो जो एसपी आ गया, जो एसपी आया एसपी, वो क्या हुआ सर, वो हुआ ना 500 का 120%, है ना 120% हुआ, क्यों, क्योंकि सीपी हमेशा 100% होता है जिसमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हो गया मेरा टोटल एसपी कितना हो गया 120%। ठीक सर अब क्या करना है, ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 600। सर ये होता है एसपी निकालने का डायरेक्ट तरीका, सर एक और तरीका है एसपी निकालने का, एक और तरीका है, वो क्या है सर, 500 में खरीदे और 20% के लाभ पर बेचे तो 10% कितना हुआ 50, 20% कितना हुआ 100, मतलब 500 में खरीद के 100 के लाभ में बेच दिए तो एसपी कितना हो गया 600, एसपी कितना हो गया 600, हो गया ना डायरेक्ट। ये भी सर इसका मतलब है क्या कि आप डायरेक्ट निकालने छोड़ करके आप तोड़ के निकाल सकते हैं, तोड़ के भी निकाल सकते हैं, तोड़ के निकाल करके वापस से सीपी में ऐड कर देंगे तो एसपी निकल जाएगा, तो सर क्यों ना यहां पर भी ऐसे करें, सर 785 का हमको निकालना क्या है, 785 का 22%, ठीक है 785 का
22% निकालना है ना, ये काम करते हैं पहले 20% निकाल लेते हैं, ठीक है 22% निकालना है ना, पहले 20% निकाल लेते हैं। सर 785 का 10% कितना होता है? 78.5। अगर 10% आपका 78.5 तो 20% क्या डबल? सर 78 दूनी 156 और 0.5 और 0.5 एक, तो 20% कितना हो गया आपका 157। तो पहले 20% ही ऐड कर लीजिए, ठीक है पहले काम कीजिए, पहले 20% ही ऐड कर लीजिए। सर अगर पहले हम 20% को ही ऐड करने के लिए जाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसको हटा सकते हैं आप लोग, ये पॉइंट हट गया। सर 5 और 7 कितना? 12, हाथ में एक। 8 5 13 और 1 14, हाथ में एक। 7 और 1 8 और 1 9, तो 942 हुआ ना ये वाला। मतलब सर जो आंसर होगा वो 942 से तो बेसी ही होगा ना, क्योंकि आपका क्या आ रहा है 20% ऐड करने पर ही 942 आ रहा है, और 2% ऐड करेंगे तो बेसी ही आएगा ना, तो ये तो कम है, ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक है मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही एक्सेस है ना, ये तो होगा नहीं। सर अब 2% निकालना है, हम क्या बताइए कि 1% कितना हो जाएगा? 7.85। किसी भी नंबर का 1% निकालने के लिए क्या बताए थे कि दो के बाद इधर पॉइंट लगा देंगे, सही। तो सर यहां पॉइंट लग गया आप लोग का, मान लेते हैं 1% 7 है तो 2% 14 होगा अप्रोक्स में। सर इसमें 14 ऐड कीजिएगा तो 956 के अप्रोक्स में जा रहे हैं, इतना दूर तो जा नहीं रहे, क्या होगा आंसर? 957.7। तो सर लंबा इंटू करने की जरूरत नहीं है, आप केवल 20% ही निकालिएगा ना, वैसे ही आप लोग को पता चल जाएगा तुरंत, समझ में आया है ना, यही सब बताए थे। चलिए एक और 10, ये भी था ना। देखिए सेल के आखिरी 2 हफ्तों में मूल्यों में 32% की कमी की गई है। एक माइक्रोवेव ओवन जिसका मूल क्रय मूल्य 25,995 था, का विक्रय मूल्य लगभग कितना होगा? लगभग निकालना है ना। सर सीपी कितना दिया हुआ है? 25,995। सर 32% का लॉस हुआ है, कितना परसेंट का लॉस हुआ है? 32% का कमी आया है ना। तो सर एक काम करते हैं, इसका 32% निकालते हैं, और सर 32% निकाल करके इसमें माइनस कर देंगे, बात तो एक ही पड़ेगा, ठीक है। सर इसमें 32% निकालते हैं, सर इसका अगर हम लोग 32% निकालेंगे, ठीक है देखिए मेरा बात समझिएगा, सर 32% का कमी आया है, कोई भी चीज खुद 100% होता है, अगर 32% का कमी आया है तो वो कितना हो जाएगा? इसका 68% हो जाएगा, होगा ना। बट 68% निकालने में क्या होगा, आप लोग को लॉन्ग हो जाएगा, सॉल्यूशन करना लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सर अगर शॉर्ट करना है तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं ना, 68% निकालने से अच्छा है कि 32% निकाल करके उसको माइनस कर दें। 100% में अगर 32% माइनस ही हो जाएगा तो बचेगा कितना? 68%, ठीक है। तो 32% निकाल करके उसको माइनस कर देते हैं। सर 32% निकालना है, सर 32% को इससे अच्छा है कि पहले 30% निकाल लें, है ना, 30% निकाल लेते हैं पहले। सर 10% कितना होगा? बताया था आप लोगों को कि 10% निकालने के लिए एक के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 2599 से अच्छा से मान लेते हैं 2600, बात एक ही पड़ेगा ना। सर एक पॉइंट बढ़ा देते हैं अप्रॉक्स में, वैसे ही पूछा है हम लोग को, एक पॉइंट बढ़ा देते हैं 2600। सर 10% कितना आ गया आपका? 2600, ठीक है ना। सर 10% आपका आ गया कितना? 2600, ठीक है। 10% अगर 2600 तो 30% क्या होगा? इंटू 3 कितना हो जाएगा? 7800 होगा ना। 30% कितना हो जाएगा आपका? 7800 होगा ना। मतलब सर एक काम कीजिए ना, पहले इसमें आप 30% को ही माइनस करके देखिए। सर जब 30% को ही हम लोग माइनस करके देखते हैं, ठीक है, मतलब कितना माइनस करके देखते हैं? 7800 को माइनस करके देखते हैं, कितना आ रहा है? 5 9 1 15 में 7 गए 8, और ये मतलब 18,195 आ रहा है। 30% को ही माइनस किए हैं तो 18,195 आ गया, और 2% को माइनस करेंगे तो और भी कम हो जाएगा ना, मतलब ये ज्यादा तो आंसर होगा नहीं, और ये तो
18,195, ज्यादा ये होगा नहीं सर, हल्का सा कम होगा, क्या होगा आंसर, ये ना कि ये, हल्का 2% और माइनस करेंगे तो क्या होगा आंसर आपका 17,677। तो एग्जाम में आप लोग को कैलकुलेशन लंबा नहीं करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सब लोग लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 से बढ़ते हैं आगे, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर कितना अबरी, ग्यारह। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इसको एक बार में आप लोग का बन जाएगा। एक बार में आप लोग का बन जाएगा। मालती ने 10% जीएसटी सहित 8,800 में टीवी खरीदा। टीवी का मूल लागत ज्ञात करें। टीवी का मूल लागत ज्ञात करें। मेरा बात समझिए आप। देखिए किसी का आया क्या, कितना, वेरी गुड सर, 10% जीएसटी सहित 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है सर, 10/100 मतलब 1/10 होता है ना सर, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ, 1/10। मालती ने 10% जीएसटी सहित, मतलब पहले उसका मूल्य था आपका 10 के रेशियो में, एक बढ़ गया तो अब किस रेशियो में हो गया, 11, और यही 11x का वैल्यू क्या दे दिया है, 8,800। तो आपको निकालना कितना है, 10x, मतलब 11x का वैल्यू अगर आपका 8,800 है तो 1x कितना हो जाएगा, 800, 10x कितना हो जाएगा, 8,000। आंसर क्या हो जाएगा, 8,000। समझ में आया, ये सिंपल था, ठीक। देखिए एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 केजी के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ होता है, ठीक है। बोला यह गया है 80 केजी चावल खरीदता है, इसका कहने का क्या मतलब है कि चावल खरीदता कितना है, 80 केजी, और जब ये बेचने के लिए जाता है ना तो इसको लाभ कितना का होता है, 30 केजी का इसको लाभ हो जाता है, ठीक। रकम में अगर बात किया जाए तो रकम में बात करने पर यही कहा जाएगा कि 80 रुपया में खरीदा था जिसमें से 30 का लाभ हुआ है तो बेचा कितना में है, 110। इसका सिंपल मतलब यही होता है, ठीक। एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है, मतलब मान लेते हैं, सुनिएगा बातें बेसिक, मान लेते हैं एक केजी चावल ये 1 रुपया में खरीदा है। 1 केजी चावल कितना रुपया में खरीदा है, 1 रुपया में खरीदा है। अगर 1 केजी चावल 1 रुपया में खरीदा है तो 80 केजी चावल कितना रुपया में खरीदा होगा, 80 रुपया। अगर 30 केजी के लिए किए गए भुगतान का उसका लाभ हुआ है तो 30 केजी कितना का लाभ हुआ होगा, 30 रुपया का, तो 30 रुपया का उसको लाभ हुआ होगा, ठीक है। आपको बोला गया है कि बताइए प्रॉफिट परसेंट क्या है, 30 का लाभ हुआ है किसमें, 80 में, 0 से 0 गया, 3/8 को क्या बोलते हैं, 37.5%, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है यार,
यहां होगा आपका 37.5%। ठीक है, जिनको फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू नहीं आता है वो ऐसे ऐसे कर लें, 3/8 इंटू 100। जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 37.5%। इसमें किसी को दिक्कत हुआ नहीं ना, आगे बढ़े। जिनको भी दिक्कत हो रहा होगा वो बता दीजिएगा, ठीक है, तो वहां पर रुक करके आप लोगों को हम बता देंगे, अगर दिक्कत हो रहा होगा तो, नहीं हो रहा होगा तो नहीं नहीं रोक दीजिएगा हमें। 12 हो गया ना, 13 नंबर। अच्छा ये छोड़िए, इसमें आपको इस्तेमाल करना है, आपको बता रहा है विक्रय मूल्य, तो पहले विक्रय मूल्य का खेला बताएंगे उसके बाद बताएंगे, ठीक है। चौदह नंबर, चलिए इसको बनाइए, मस्त क्वेश्चन है। एक मशीन 9% की हानि पर, अभी आप लोग का जानते हैं क्या हो रहा है, ट्रायल बॉल जैसा हो रहा है, समझे। पहले प्रॉफिट किस पर होता है, लॉस किस पर होता है, डिस्काउंट किस पर होता है, ये सारा चीज सीख लीजिए, अभी चैप्टर लंबा चलेगा, समझे, इसीलिए ध्यान दीजिए इसके ऊपर। एक मशीन 9% हानि पर 27,300 में बेची जाती है, हानि ज्ञात करें, ठीक है, आपको निकालना है लॉस। देखिए, एक व्यक्ति, एक मशीन 9% की हानि पर 27,300 में बेची जाती है। सर ये लैंग्वेज को आप सीखिए, धीरे धीरे क्या बोल रहा है, समझे, हानि कितना परसेंट का हुआ है, 9% का। सर 27,300 क्या है, सर ये क्या है, क्या ये सीपी है कि एसपी है, एसपी है ना, क्योंकि उसमें बेचा गया है। हमको ये बताइए कि अगर ये बेचा गया है तो ये कितना परसेंट का वैल्यू है, 91% का है ना, क्योंकि सर 9% का हानि हुआ है, हानि हमेशा सीपी पर होता है ना, सीपी आपका अगर 100% है तो 9% का हानि हो, 9% का हानि हो रहा है, ठीक है, सॉरी एक मिनट रुकिए। मेरे पापा अलग ही परेशान है यार, है ना, तुमने काहे फोन कर रहे हैं, बोल तुमसे बात करना है हमको 5 मिनट, एकदम इम्पोर्टेंट, हमको पता है आपको क्या इम्पोर्टेंट बात करना है, समझे, इसीलिए हम एक बार बोले क्या बात करें, तुम 5 मिनट टाइम दे दो हमको, बैंक आराम से देंगे आपको, है ना, वही और क्या करना है, वही बात करना होगा, और की बात करना है, अभी हमर से है ना, अभी सब लोग घर गए ना, अभी है ना, अभी सब लोग घर गए, जब मेरा पूरा परिवार जब गांव जाता है ना, तब पूरा परिवार में गोतिया में हम ही बचल है, तो खाली मेरे बारे में ही बात होता है वहां पर, है ना, कि तब नह लगा रहे हैं, अब इन लोग का दिमाग घूमने लगता है, समझे, अब तो फोन आएगा एक से एक। देखिए सर, सीपी अगर आपका 100% है, 9% का हानि हुआ है, तो एसपी कितना हो गया, 91%, ठीक है, 91%। सर ये क्या है आपका, एसपी है ना, ये क्या है आपका एसपी परसेंट में, और रियल में कितना है, 27,300। मतलब 91% का ही मान क्या दे दिया है आपको, 27,300। बात यह है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लॉस परसेंट ना, लॉस हुआ कितना परसेंट है, 9 हुआ है, ठीक है। सर अगर 9 का लॉस हुआ है तो 91% बराबर ये है, देखिए 3 से जा रहा है पूरा, है ना, देखिए 91 का टेबल भी आता है, अरे ऑब्जर्वेशन होता है, 9 × 3 = 27, 1 × 3 = 3, तो 1% कितना हो गया, 300, 9% कितना होगा आपका, 27। समझ में आया,
बुझाया ये वाला। अब इसको करने का दूसरा मेथड, ठीक है, अब दूसरा मेथड ये है, समझिए ऑप्शन से आपको फाइनली लास्ट में निकालना तो 9% ही है ना, मतलब जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, है ना सर, जो भी आंसर होगा वो अगर 9 का आपका मल्टीपल होगा तो 7 × 2 = 9 ये मल्टीपल है, 7 × 2 = 9 और 2 ये नहीं है सर, 9 और 2 ये नहीं है सर, ये मल्टीपल है 7 9 का, है ना, 5 4 9 7 2 9 9 का मल्टीपल है, लेकिन इसका इतना भी खराब दिन नहीं आ गया है कि 2 को 0 रख करके आखिरी में 1 को 0 भी नहीं होगा, समझे, कम से कम 1 को 0 तो बनता, इसीलिए ये वाला नहीं होगा आंसर, आप लोग ये वाला मार के निकाल सकते थे। देखते के साथ आप लोग आंसर ये वाला मार करके निकल सकते थे, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। सो एक सामान 7130 में बेचा गया जिससे 15% का लाभ होता है, इस मद मतलब आइटम को, है ना, इस सामान का लागत मूल्य क्या है, मतलब 100% निकालना है आप, है ना, अब मेरा बात समझिए, हर बार परसेंटेज का खेला नहीं करेंगे, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 15/100 मतलब 3/20 मतलब 20 आपका सीपी है और इसमें 3 का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी कितना हो गया, यही हो गया, कल बताए थे, लेक्चर देख लीजिएगा सारा समझ में आ जाएगा वीडियो में, मतलब 23x बराबर ही आपका क्या दे दिया है, 7130, 1x कितना हो जाएगा, 7130/23, आपको निकालना क्या है सीपी, सीपी कितना है 20 है ना, तो इनटू कितना कर देंगे 20, सर अब क्या टेबल याद करें, नहीं यहां देखिए सर, एक भी ऑप्शन पॉइंट में है क्या, नहीं, मतलब ये जो 7130 है ये 23 से पूरा कट रहा होगा, तभी तो नीचे कुछ नहीं रहा होगा ना, अगर अप्रोक्स में आता तो ऑप्शन में यहां पर एग्जामिनर लिख भी देता, है ना, कि अप्रोक्स में बताइए, एकदम डायरेक्ट आंसर निकाला सर, 23 * 3 = 69 याद है, 23 * 3 = 69 बचा कितना 2, 23 * 1 = 23 और ये 0, 31 * 2 = 62 और 2 को 0 आंसर, समझ में आया है ना, अभी वो वीडियो पर डे दे रहे हैं, अगर एब्सेंट किए है ना तो वीडियो वही बंद, ठीक, और तीसरी वीडियो आप जो बाहर रह रहा है वो देखने के लिए, ऐसे बहुत लोग एकदम मधुपुर में हैं, फोन किए थे कि सर परसेंटेज का बंद करवा दिए क्या, मतलब परसेंटेज छोड़ करके प्रॉफिट लॉस पे आ जाइए, ठीक है, तो ये भगवान एक तक लगे चैन है, ठीक है यार, तो आप लोग के लिए मात्र ये रिवीजन है, समझे, घर जा करके इसको वापस से देखते होंगे तो बड़ा अच्छा लगता होगा, समझे, इसीलिए देखा कीजिएगा इसको, नेक्स्ट हो तो गया यारी, अब क्या, थोड़ा स्पीड से इसलिए बढ़ रहे हैं ना कि बाकी जो YouTube में देखे वो गाली ना दे हमको कि स्लो मोशन में हो रहा है, समझे, इसीलिए देखिए सर, 70,150 रुपये में 23.33 की हानि पर बेची गई, रहने दीजिए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट इतना, मतलब कि इसको इतना में बेचा गया तो ये क्या है आपका, क्या है
ऐसे कैसे यार, चार दिन चालू नहीं है क्या वो? अच्छा समझ गए, ओकरो चेंज करना पड़ेगा। ठीक समझिए, ये आपका क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है ये, ठीक है सर। अगर ये आपका एसपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा आपका सर, इसको तोड़ सकते हैं 20+3.33% में, क्या इसको हम लोग तोड़ सकते हैं? सही है यहां पर, ठीक है तो सब खिड़की सब खोल दीजिएगा सर। सर इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, और इसका कितना होता है आपका, 1/30। एकदम ध्यान में रखिएगा कि 3.33% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आपका, 1/30, ठीक है। 5 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 30। ये कितना है आपका, यहां कितना हो जाएगा, 6, और ये 1, मतलब 7/30। फाइनली इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपका आया कितना, 7/30, 7/30, ठीक है। मतलब क्या है, 7/30, एक व्यक्ति को 7/30 का लॉस होता है। मतलब ये है कि 30 में खरीदा है और लॉस कितना का हो रहा है, 7 का, तो बेचा कितना में है, 23 में। अब ये तो निकालने सीख रहे हैं ना, तो 23 x में बेचा है, ये है रेशियो में, और रियल में कितना है, 70,150, ठीक है यहां तक। मतलब 1x कितना हो जाएगा आपका, 70,150/23। हम लोग को निकालना कितना है, सीपी निकालना है ना, सीपी कितना यूनिट है, 30 यूनिट है, समझ में आ रहा है ये वाला, ठीक। तो सर अब इसको सॉल्व करना होगा आप लोग को, अब सॉल्व कैसे करना है वो समझिए। देखिए अब सर इतना जीरो तो नहीं होगा, ये हद से ज्यादा है ना। अब देखिए यहां ये दिख रहा है, 23 3 69, बचा कितना, 1 बचा ना, ठीक है। अब ये 1 के साथ 2 वो उतर रहा है, तो एक पहले एक जीरो लगाएंगे, है ना, और 23 5 115, दिमाग में आया, आया ना, और ये जीरो यहां लग दिए सर, 2 को जीरो होगा, ये नहीं होगा, ठीक है सर, 2 को 0 होगा, 5 3 15, 3 3 9, 91,500, यह हो गया आंसर, समझ में आया, गया ना दिमाग में, हाँ पूजा कल का देखे थे वीडियो नहीं? अरे यार बहुत ज्यादा लोड दे दिए हैं क्या, नहीं हुआ क्या है ना कि इतना सारा जो लगा दिया है ना पूरा, ठीक है, ये अकेले पूरा लोड उठा रहा है, समझे, इसलिए अब देखिएगा हमको कितना खतरनाक लगेगा सर। आप लोग तो वहां बैठे हुए हल्का ठीक लग रहा है, हमको देखिए कैसा लगेगा सर, ये समझ में आया, ठीक। चलिए दिमाग लाइए इसके ऊपर, अब आने रहेंगे बाप,
एक मोटरसाइकिल हो, दिखता नहीं से, हाँ ठीक दिखता है, एक मोटरसाइकिल को 70,000 में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है, यदि उसे, पंखा चल रहा है यार, ओह वाह, ठीक है ठीक है, यदि उसे 30% लाभ प्राप्त करना हो तो मोटरसाइकिल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब सुनिए मेरा बात, बात को ध्यान से, ठीक है, 70,000 में बेचने पर कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, मतलब ये कितना परसेंट का वैल्यू है, जो नालायक लोग, कितना परसेंट वैल्यू है ये, आए कितना, 125 का है ना, बोलने में भी डर लगता है ना कि पता नहीं सर सुन लिए कहीं तो कहीं गलत हुए तो, मोर में थोड़ा सा ना, 70,000 में बेचा गया है, 25% का लाभ हुआ है, तो कितना एसपी कितना हो गया, 125% हो गया, लेकिन बोला गया है कि बताइए उसे कितना में बेचा जाए कि कितना परसेंट का लाभ हो, 30% का लाभ, मतलब सीपी पूछा है क्या, नहीं ना, तो सीपी से कोई मतलब ही नहीं है, आपको 100% निकालना है, कोई दरकार नहीं है, समझे, सर दिया हुआ है कितना परसेंट, 125%, कितना, 70,000 दिया हुआ है ना सर, 1% कितना हो जाएगा, 70,000 बटा 125, 30% के लाभ पर लाभ प्राप्त करना है तो बताइए कि उसको कितना में बेचा जाए, मतलब एसपी निकालना है, कब का एसपी निकालना है, जब उसको लाभ हो कितना का, 30% का, मतलब आपको निकालना कितना परसेंट है, 130%, बस यही है आपका सॉल्यूशन, समझे। अब करने का तरीका सीखिए, ये दो गो जीरो है ना, इसको मान लेते हैं 100 लिखा हुआ है, 25 से जाएगा ये कितना बार में, छोड़िए हटाइए, देखिए आप, ये जो तीन गो जीरो है इसको मान लेते हैं 1,000 है, तो 125 से ये 1,000 जाएगा 8 बार में, अरे जाएगा, बात तो एक ही पड़ेगा ना, एक करके ना काटा लगेगा, 5 5 5, ठीक है, तो यहां पर एक गो जीरो है, यहां पर एक गो जीरो है, मतलब आखिरी में आपका दो गो जीरो है, सब है में, ठीक है, ये ठीक है, 9 8 6 7, अब देख लेते हैं, 7 8 56, लास्ट में 6 6 3 18, लास्ट में 8, ठीक है, इसको बंद कर दीजिएगा बच्चे, इसको भी चेंज करना होगा, ये समझ में आया, बड़ी आवाज करता है ये, बुझाया क्या करना है, सो अभी इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को, तो कृपया इसको बनाएं तुरंत, अगला क्वेश्चन बनाइए, बनाइए इसको जल्दी से, you
आया आंसर कितना? शाबाश, नहीं बताएंगे इसको। पूजा बोले क्या जी? वो देखिए सर, 29% का हानि हुआ, ठीक है, 29% का हानि हुआ, इतना में बेचा गया, मतलब ये जो है सो कितना परसेंट का वैल्यू है आपका? कितना? 71, मतलब 71% का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 355। ये पूरा जाएगा पांच बार में, 1% आ गया कितना? 5। आपको निकालना कितना है 21% के लाभ पर, मतलब 121% निकालना है, कितना हो जाएगा? 605। समझ आया? कल का वीडियो वह देख लीजिएगा तब समझ में आएगा। जिनको भी आज दिक्कत हो रहा है वो जब तक कल का वीडियो नहीं देखेंगे उनको आज दिक्कत करेगा। सुधा देखे थे? स्मिता नहीं देखे थे ना? देखिए यहां पर एक व्यक्ति ने, अच्छा हमको ये बताइए कि आप लोग गजब है, लेकिन मानना पड़ेगा, आप लोग के आंख के सामने वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, तो क्या आप लोग का ये दो गो आंख प्यारा सा रतन को दिक्कत करेगा? नहीं ना, तो देखते क्या है? नहीं, ये जो बना रहे हैं वो आप ही लोग के लिए बना रहे हैं ना, देखते कन दे अभी हाँ, कि सामने रख करके दिखा देंगे ऐसे करके कि पूजा बाबू देखो है। 1998 में जन्म हुआ, 1998 ठीक। पूजा डेट ऑफ बर्थ कितना है आपका? ईयर कितना है बताइए? हाँ हरे कहते बुतरे हुए ना 2005। अभी 16 साल हो ले ना अभी। देखिए एक व्यक्ति ने एक पेन ड्राइव 1654 में बेचा और उसे 7% की हानि हुई। 11% लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? सर इसका मतलब 1674 कितना परसेंट का वैल्यू है आपका? 93% का वैल्यू है, निकालना कितना परसेंट है? 111, यही ना, लास्ट में जीरो से कोई मतलब है नहीं इसको, ठीक है। सर 3 का टेबल में 4 कितना बार में आता है? लास्ट में 8 रहेगा ना, 3 8 24, तो ये 8 आएगा और 8 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, लास्ट में 8 आएगा। तरीका पता चला? 1 2 करके मल्टीप्लाई नहीं करने लगेगा, 93 का टेबल हमको भी नहीं आता है ना। चलिए बनाइए, नहीं देखिए ना पता चलेगा, पछताइएगा फिर सब लोग, वीडियो मत देखिए। सारे लोग प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो और सुबह जो चल रहा है नंबर सिस्टम का वीडियो, वो दोनों आप लोग देखा कीजिएगा। बना किसी का आंसर आया? 512, 518, 513,
किसी का भी। वेरी गुड काजल, कैलकुलेटर दे लाके। जो कैलकुलेटर से बुला रहे हैं, कोई मैडम को कोई कैलकुलेटर ला के दो भाई। पूजा को बोलिए काट देंगे सीधा। क्या पूजा, काट दीजिए तो एक बार। निशा आया नहीं गुड़िया, आया कल तो नहीं थे ना, वीडियो देखे थे। आइए यहां बनाते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने एक पंखा को इतना रुपया में बेचा, 15% का लाभ अर्जित करता है। उसे 20% का लाभ अर्जित करने के लिए पंखे को किस कीमत पर बेचना होगा? मतलब ये जो 557.75 है, ये कितना परसेंट का वैल्यू है आपका? 115% का वैल्यू है। निकालना है आपको कितना परसेंट का? 120, यही ना। अब जो दिक्कत हो रहा है वो काटने में दिक्कत हो रहा है। 100 आ गया ना, जीरो से ये जीरो गया, सही है। एक चीज सिखाए, नया चीज सिखाता, जिसको हम लोग बोलते हैं वो सिखाएंगे आप लोगों को नंबर सिस्टम में थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा सीखिएगा। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है कि 9-9 का पेयर में काटते जाइए, 9-9 का पेयर में काटते जाइए, जो बचा उसको पकड़ लीजिए। ठीक है, डिजिटल सम का मतलब यही होता है कि 9-9 का पेयर में काटते जाइए और जो बचा उसको पकड़ लीजिए। ठीक है, कैसे देखिए, 5, 5, 10, 10 और 7, 17, 17, 7, 24, 24 और 5 कितना? 29। सर 29 को 9 से डिवाइड कीजिए, दो बचेगा ना, दो बचेगा, तो ऊपर वाला का कितना आया डिटेल सम? 2। सर 2 और 1, 3, यहां कितना बचा? 3। 5 और 1, 6, 6 और 1, 7, तो ऊपर बचा 2, नीचे बचा 7, और यहां पर ऊपर में आपका 2 3 6, नीचे क्या बचेगा? 7। नया चीज सिखा रहे हैं, सीखिएगा। ये समझ में आया कैसे किए सो? ठीक है, एकदम थोड़ा बड़ा हो गए आपको तो सीखिएगा, है ना। बुतुल लोगों को सिखाया जाता है ऐसे, थोड़ा बड़ा जैसा सीखिएगा आप लोग। ठीक है, लैंग्वेज को समझिएगा। क्या करना है कि नीचे में ऐसा लाना है कि 9 से डिवाइड करने पर 1 बन जाए, 1 बच जाए, 9 से डिवाइड करने पर 1 बच जाए। ठीक है, नीचे में ऐसा लाना है कि 9 से डिवाइड करने पर 1 बच जाए। सर एक काम करते हैं ना, 7 को भी 4 से और 6 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 24/28। अब इसको करेंगे 9 से डिवाइड, तो नीचे आएगा 1 और ऊपर कितना आएगा? ये देखिए 4 और 2 ये 6, तो डिटेल सम मेरा फाइनली कितना आया? 6। तो सर अगर नीचे 7 होता है तो ये करते हैं, अगर नीचे 5 रहे तो, सर नीचे में अगर आपका 5 रहे है ना, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 4/10 आएगा ना। अब इसको 9 से डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा नीचे, आएगा ना। सर अगर नीचे 2 रहे तो, जैसे 3/2, अरे तो 5 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 15/10। अब डिवाइड करेंगे, 1 आएगा और ये 5 और 1 6, समझ रहे ये वाला? सर डिजिटल सम एक लंबा टॉपिक है जो सिखाएंगे नंबर सिस्टम में, इसमें खाली इतना ही बार सीख लीजिए। ठीक, क्या करते जाना है? सबको ऐड करते जाना है,
और 9 से डिवाइड कर देंगे क्या बचेगा 2। सर यहां पर ऐड किए कितना आया 3, ठीक है। अब 3 को 9 से डिवाइड करेंगे 3 ही बचेगा ना, सिंपल बात है। सर अगर 2 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा ना। ये सब बड़ा बड़ा चीज समझ में आता है कि नहीं आता है? हा? 0 को 9 से डिवाइड कीजिएगा क्या बचेगा, 0 बचेगा है ना। तब आए क्या करेंगे, जोड़ने के बाद अगर 9 आएगा तो वहां कुछ रिटर्न सम नहीं होगा, 0, ठीक है, 0 बचेगा वहां। सर खाली इसमें समझिए, हम समझा देंगे पूरा अच्छा से जब चैप्टर आएगा। तो यहां पर क्या आया आपका 2, यहां पर क्या आया आपका 3। चलिए एग्जांपल लेके समझाते हैं, ठीक है, सुनिए पूरा सिखा देते हैं, सीखिए। जैसे दिया हुआ रहे 2, 3, 4, 6, 2, 9 बाय 8, 2, 4, काम आएगा, ठीक है, सीख लीजिए। अब इसका निकालना है हमको डीटा सम, ठीक है, कौन मल्टीप्लाई करे, डीटा सम निकाल लेते हैं इसका। तो सर कैसे करना है, 9, 9 का पेयर में काटते जाइए, 9 कटा, ठीक है, 6, 3, 9 कटा, 4, 2, 6, 2, तो ऊपर क्या बच गया आपका 8। अब 8 को 9 से काटिएगा तो 8 ही बचेगा ना, समझे। अगर ये दोनों को 9 को 9 से काटिएगा तो 9 कुछ बचेगा क्या, नहीं ना। 6, 3, 9 काट दिए, हटा दिए, क्या बचा 4, 2, 6, 2, 8। 8 को जब 9 से काटिएगा तो 9 ही बचेगा, कितना 8 ही बचेगा ना। अब नेक्स्ट 5 + 6 कितना हो गया 11 हुआ, 11 को 9 से डिवाइड कीजिएगा क्या बचेगा 2 बचेगा, सही है। यहां देखिए 3, 2, 5, 5 और 1, 6, 6 बचेगा। सर 8, 2, 10, 10 और 4 कितना हो गया 14, 14 को 9 से कीजिएगा तो 5 बचेगा, समझ में आ रहा है। और यहां पर 2 ही है, अब ऊपर में क्या होगा वो समझिए, 8, 2, 16, 16, 6, 96 कितना आ गया 96, और नीचे क्या आ गया 5, 2, 10। अब देखिए 9, 6, 15 कितना आ रहा है 15, फिर 1 और 5 कितना 6, और नीचे में कितना 1 और 0, 1, क्या है डिजिटल सम आया ना। दो लाइन बोलते हैं, सुनिए, डिवाइड या तो किसी नंबर को 9 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आता है वही उसका डिजिटल सम कहलाता है, ठीक। किसी भी नंबर को जैसे देखिएगा, ठीक, ये लिखा हुआ है 15, 15 को जब 9 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा रिमाइंडर कितना आएगा 6 आया ना। सर एक और तरीका है, 1 और 5, 6, तो क्या 9 से डिवाइड करने के लिए जाए, समझ में आया है ना। ऐड करते 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 डबल डिजिट से कहां तक लेके जाना है, सिंगल डिजिट तक, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया है, बुझिएगा। ये जो 9, 9 बन रहा है उसको हटाइए पहले, ठीक है, जो 9 बन रहा है, जो 9 का टेबल में आते जा रहा है उसको हटाइए सबसे पहले। 6 और 3 क्या होता है 9, ठीक है। अब देखिए 8, 2, 10, 10, 4, 14, 14, 2, 16, 1 और 6, 7, इसका क्या आ गया 7, ठीक है। अब देखिए यहां पर 8, 2, 10 और 10 और 10, 20 कितना हो गया 20, 2 और 0, 2, तो 7 दूनी बीच मल्टीप्लाई है ना, 7 दूनी 14, 1 और 4, 5,
इसका डेटा सम क्या आ गया 5। समझ में आया? एक बार एग्जाम्पल दें, आए हो गया? ये देखिए 9 हटा 6 और 3 हटा, ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया आपका 6, 6 × 6 = 36, ये कितना आ गया डेटा सम 9, मतलब कि क्या आएगा 0, या तो 9 या तो 0, बात एक ही है, 9 को 9 से काटिए 0 बचेगा, मतलब बचता एक है, डेटा सम 0 आता है, ठीक है। तो सर डिजिटल सम कहां कहां फेल हो जाएगा आपका? कहीं तो फेल होगा सर, वहां वहां फेल होगा जहां पर नीचे में 3 बचे, नीचे में 6 बचे और नीचे में 9 बचे। अगर नीचे में 3 6 9 बच रहा है तो डिजिटल सम फेल, वहां कुछ यूज नहीं होगा। और दूसरा क्या होगा कि अगर आंसर मेरा अप्रोक्स में पूछ दे, किसमें पूछ दे, अप्रोक्स में, कि बताइए अप्रोक्सीमेट आंसर क्या होगा, तो वहां पर डिटेल सम क्या हो जाएगा आपका, फेल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक। तो सर नीचे में जब 2 बचेगा तो, नीचे में जब 4 बचेगा तो, 5 बचेगा तो, 7 बचेगा तो, 8 बचेगा तो बच रहा है ना ये सब। नीचे में अगर ये सब बचेगा तो सर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। तो सर 5 जहां पर है वहां किससे कर देंगे, 2 से। जहां 4 है उसको किससे कर देंगे, 7 से। जहां 7 है उसको 4 से। और इसको कर देंगे 8 को 8 से ही कर देंगे। ऐसा क्यों किए वो समझिए। 5 को 2 से करेंगे 10 आएगा, और 1 और 0 कितना होता है, 1 कितना होता है, 28। 8 और 2 10, 1 और 0 1, 5 दूनी 10 कितना आ रहा है 1, 7 चौक 28 कितना आ रहा है 10, मतलब 1, 8 अठे 64, 6 और 4 10 कितना आ रहा है 1। सर नीचे में आपको कुछ नहीं बचना चाहिए, नीचे में आपको 1 बचाना है, 1, ठीक है, कुछ भी करना है क्या बचाना है, 1। समझ में आया? वेरी गुड। अब देखिए यहां पर तो ये वाला सॉल्व कैसे किए हम लोग वो समझिए। इसको सॉल्व करेंगे डिजिटल सम से, ठीक है। देखिए ये कितना आया था आपका, 15 और 12, 15 और 14 29 आया था ना सर, ये आया था 29, ठीक है सर। जब 29 आ गया फिर 9 को हटा दीजिए, क्या बचेगा, 2। क्या डिवाइड करने की जरूरत है हम लोग, ठीक है। ये कितना आ गया, 3, और यहां पर कितना आ रहा है, 7। क्या नीचे में 3 6 9 बन रहा है क्या, नहीं, अगर बनता तो लॉस हो जाता। ऊपर क्या हो गया आपका 6, नीचे क्या हो गया 7, जहां पर 7 होता है किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से। कितना हो गया आपका 24/28। अब इसको, ये तो एक बन गया ना, हटाइए इसको 4 से, ये तो हट गया, और 2 और 4 कितना बन गया 6। अब वो ऑप्शन मैच कीजिए जिसका डिजिटल सम क्या बन रहा हो, 6 बन रहा, ठीक है। देखिए 8 2 10, 10 और 7 17, 7 और 1 8, क्या बन रहा है क्या, नहीं। ये 9 को हटाइए, 8 5 13, तो क्या बन रहा है ये 4, तो ये भी नहीं होगा। 9 हटाइए, 6 5 11, मतलब कितना 2, नहीं बन रहा है, यही ऑप्शन होगा। देखिए 8 2 10, 10 और 5 15, 1 और 5 6, बन रहा है ना सर। तो अब तीन जगह आप लोग फंसिएगा डिटेल सम में, पहला जब नीचे में 3 6 9 रहे, दूसरा जब अप्रोक्स में पूछा जाए, तीसरा अगर गलती से इसका भी डिटेल सम क्या आ जाए 6, तब फंस जाइएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर ऐसा लेंदी क्वेश्चन देगा तो सेम नहीं करेगा। समझ में आया?
चलते नया बताएंगे, बताइए नहीं है। चलो पूछना है क्या, करना आया। नेक्स्ट, यदि एक साड़ी 3060 के लिए बेची जाती है तो विक्रेता को 15% का नुकसान का सामना करना पड़ेगा, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर साड़ी बेचनी चाहिए। मतलब ये जो 3060 दिया हुआ है आपको, वो 15% लॉस पर बेचा गया है, मतलब कि ये 85% का वैल्यू है। आपको 20% के लाभ पर निकालना है, मतलब निकालना कितना परसेंट है, 120। 85 को देख करके याद आ रहा है, 17 याद आ रहा है ना, 17 × 5 = 85, 17 × 17 बचे या कितना 13, 17 × 8 = 136। आया दिमाग में, नहीं आया वो टेबल वो नहीं किया होंगे तो, कितना 24, और ये जीरो भी है ना। तो लास्ट में एक और जीरो होगा, हट गया, जीरो होगा और 8 × 32, मतलब लास्ट में क्या होगा, 2। एक और जीरो यहां का यहां आएगा, और सर ये 8 × 32 = 2 लास्ट में क्या होगा, 2। तो आंसर आपका यही होगा, समझ में आया, शाबाश, वेरी गुड। अभी अगर आप लोग घर जाकर के नोट्स नहीं बने बनाइएगा, धरती का बोझ है आप लोग। एक विक्रेता कोई बाइक 2500 में बेचने पर 20% की हानि उठाता है, बाइक को कितने मूल्य पर बेचता कि उसे 30% की हानि, 20% का हानि उठाता है, कितना में बेचे है कि 30% का हानि हो, यही ना। मतलब ये जो दिया हुआ है 2500 कितना परसेंट का वैल्यू है, 80 का, दिमाग में आया, वेरी गुड, कम से कम वहां तक तो पहुंचे। मतलब ये आपका वैल्यू है 80% का, आपको निकालना कितना परसेंट का है, 130 का, नालायक लोग, 70 का ना, कितना का, 70 का निकालना है, 30% का हानि पर ना, समझ में आया। अब यहां देखिए, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, आप बनाना नहीं है, सीखिए, जीरो से जीरो गया, सारा आंसर पॉइंट में है ना, मतलब नीचे में कुछ ना कुछ बच रहा होगा, सही है। अब जे बच रहा होगा भाड़ में जाए, ऊपर में 25 है, जो भी आंसर होगा वो 25 का मल्टीपल होगा, 25 का मल्टीपल वही होता है जिसका आखिरी का 2 नंबर 25 से कटे, 25 50 75 100, इकलौता 75 है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, अगर एग्जाम में देगा सॉल्व करने तब सॉल्व करना है। 25 से वही नंबर कटेगा जिसका आखिरी का 2 नंबर क्या रहे, जिसका आखिरी का 2 नंबर 25 रहे, 50 रहे, 75 रहे और 2 गो 0 रहे, तो एक ही वो नंबर इसमें 75, जो भी आंसर आएगा उसमें 25 तो छुपा हुआ रहेगा ना। अगर आप 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आता है उसमें 3 छुपा हुआ रहता है, तो 25 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसमें 25 छुपा हुआ रहेगा, बस, समझ में आया। कोई वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर, छोड़िए, यदि कोई पुस्तक 25% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बताइए। आंसर ये होगा 25% का लॉस, मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब 4 में 1 का लॉस, मतलब एसपी कितना हो गया, 4 और 3 बन जाएगा।
सेम है क्या? एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 16% कम है। ध्यान से, क्रय मूल्य किससे कम है? विक्रय मूल्य से। मतलब बेस किसको माना है अभी? विक्रय मूल्य को। 16% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 16/100 मतलब 4/25 है ना। क्रय मूल्य, सुनिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 16% कम है, मतलब ये आपका विक्रय मूल्य, ये आपका एसपी है, इसमें से 4 कम है तो सीपी कितना हो गया? सीपी कितना हो गया आपका? 21 हो गया। सोलह बटा सौ मतलब 4/25। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से, बेस माना है विक्रय मूल्य को, तो यहां बेस क्या है आपका? 25। ये हो गया एसपी, 16% कम है, 25 का 16% 4, 4 कम है तो सीपी कितना हो गया? 21। समझ में आया? तो सर सीपी कितना हो गया आपका? 21। एसपी कितना हो गया आपका? 25। समझ में आया? तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं, किस पर? सीपी पर। ठीक है सर, 4 का प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर? 21 पर, इंटू 100 मतलब 400/21। ठीक है, 21 × 42 मतलब 20% से हल्का सा कम प्रॉफिट हो रहा है ना। आपका एसपी, अच्छा एक मिनट, ठीक है लिखे हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य 16% कम। हाँ, अगर विक्रय मूल्य को हम लोग मानेंगे 100%, एग्जामिनर खुद बोल रहा है कि भाई विक्रय मूल्य को 100% मानो, बोल रहा है ना, तो सर 16% कम है तो ये कितना हो गया? 84 हुआ, 4 से काटेंगे तो 25 हुआ और ये 21 हुआ, तो एसपी कितना आ गया? 25। सीपी कितना आ गया? 21। वही किए हम लोग खाली रेशियो में। ठीक है सर, 16% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/25, मतलब ये है कि क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 16% कम है। बेस किसको माना है? विक्रय मूल्य को, और यहाँ बेस क्या है? 25। तो एसपी क्या हो गया मेरा? 25, उसमें 4 कम है। ठीक है, 4 क्या है? कम है, तो कितना हो गया? सीपी कितना हो गया? 21। समझ में आया? अगर हम ये बोले एक वस्तु का विक्रय मूल्य, सुनिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य, अरे बहुत लैंग्वेज घुमाएगा, जानते हैं कैसे कैसे घुमाएगा, सुनिएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से, उल्टा लेते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% कम है ना सर, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/4। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/4। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से, खुद बोल रहा है कि बेस किसको मानो? विक्रय मूल्य को, 25% कम है, 4 का 25% क्या होता है? ये राउंड घूमता है, बताए थे 4 का 25% 1 होता है, मतलब 1 कम है, तो एसपी अगर 4 है, सीपी 1 कम है तो कितना हो गया? 3। अगर बोलता कि ज्यादा है तो क्या करते हैं? सीपी क्या होता मेरा? 5 होता ना। तब अगर ये बोलेगा, सुनिएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 16/1/6% 16/2/6 इसका लंबा हो जाएगा, 16/2/3% ठीक है, 16/2/3% ज्यादा है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 16/2/3% क्या है? ज्यादा है। 16/2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/6। मतलब अगर ये आपका एसपी है तो ज्यादा है, मतलब एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा कितना हो गया? 7 क्या हो गया आपका? सीपी। बस खुद ही बोल रहा है एग्जामिनर ऐसे बनाने के लिए।
समझ में आया? क्लियर है? रहने दे इतना ही तक, ज्यादा करवा देंगे दिमाग हैंग हो जाएगा।